अभी मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर सबके आंसर दे डालूंगा जिन्होंने पूछ रखा है। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा एम्ब्रियोलॉजी, हम लोगों का शायद स्टार्ट हो चुका है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो चुका है बेटा। तो हम लोग फर्टिलाइजेशन करा चुके थे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। क्यों बेटा? मोनोस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी, ये सब हमने बता दिया आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोगों ने हेडिंग डाल रखी होगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी बेटा, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है। अगर आपको ना पता हो तो अलग से कहीं से लिख लेना बेटा। जो फर्टिलाइजेशन है इसका दूसरा नाम आप इसको कह सकते हो, ये फिजियो केमिकल प्रोसेस है। फिजियो केमिकल प्रोसेस दूसरा नाम नहीं, मतलब ये जो प्रोसेस है फिजियो केमिकल प्रोसेस है। आप इसको अलग करके बेटा, हमको लग रहा है किसी एक बैच में शायद मैंने बोला नहीं है, जो भी है जिन्होंने सुन रखा है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं सुन रखा हो बेटा ये फट से नोट कर लीजिए। अच्छा, कल्टिस में आया था क्या? वेरी गुड, लेकिन लिखा रखा है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, फिर भी अगर मुझे ऐसा लगा शायद मैंने नहीं बताया इसलिए मैंने बता दिया बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, चलिए तो लास्ट पॉइंट हमने क्या लिख रखा है जरा बताना एक बार बेटा। अरे चेक करो, 17 और गुरुकुल दोनों हैं। क्लीवेज, ओके ओके, क्लीवेज के सारे पॉइंट हमने बता दिया है बेटा आपको, है ना? ओके ओके, हम लोगों ने बता रखा था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, तो हम लोगों ने क्लीवेज स्टार्ट कर लिया था। क्लीवेज में हमने लिख रखा था कि सर ये एक सिंपल माइटोटिक डिवीजन होता है विदाउट अंडरगोइंग द ग्रोथ, या ग्रोथ नहीं होती बट नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है। पॉइंट सारे लिखा चुके हैं बेटा हम, एक बार आप देख लेना, जो भी पॉइंट मिस हुआ होगा तो आप मैच कर लीजिएगा। सिंपल माइटोटिक डिवीजन होता है बेटा ये, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस बट साइज नॉट इंक्रीजेस, नॉट इंक्रीजेस ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, बट साइज नॉट एम्ब्रियो, या जायगोट भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है बेटा, जायगोट, फॉर्मड डॉटर सेल्स आर नेम्ड एज ब्लास्टोमियर्स। जो पॉइंट छूट गए होंगे बेटा, जिनको लग रहा है कि पॉइंट हो गए तो ठीक है, अगर छूटे हुए पॉइंट होंगे तो नोट कर लीजिएगा। साइज ऑफ ब्लास्टोमियर्स डिक्रीजेस, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर्स डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, यानी जैसे जैसे क्लीवेज होता जाएगा नंबर ऑफ सेल्स का जो ब्लास्टोमियर बनेंगे, जैसे मान लो ये जायगोट है बेटा, और ये देखिए दो सेल है तो बड़ी है, फिर क्लीवेज हो गया तो सेल छोटी हो गई, फिर क्लीवेज हो और छोटी हो गई, तो लगातार ये सेल्स, ये जो सेल्स है ना डॉटर सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जब ये ब्लास्टोमियर है तो ब्लास्टोमियर कंटिन्यूअसली घटता चला जाएगा। जैसे मान लो ये क्लीवेज हुआ तो और घटेंगी, ये क्लीवेज हुआ तो और घटेंगी, यानी कंटिन्यूअसली साइज घटता चला जाता है ब्लास्टोमियर का। द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया इज
एग्जैक्टली द सर्फेस एरिया ऑफ, ये देखो द सर्फेस एरिया ऑफ बोथ ब्लास्टोमियर, बोथ ब्लास्टोमियर इज एग्जैक्टली इक्वल टू देयर पेरेंट सेल, टू देयर पेरेंट सेल एन अपॉन सी. न्यूक्लियोप्लाज्म अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या करेगा, इंक्रीज रहता है. न्यूक्लियोप्लाज्म तो बढ़ेगा लेकिन साइटोप्लाज्म क्या करेगा, घटेगा बेटा जैसे जैसे क्लीवेज होता जाएगा. ठीक है, क्लीवेज फॉलो क्लीवेज डिपेंड्स ऑन, यह फॉलो लिख लो बेटा, क्लीवेज फॉलो द पाथ ऑफ मिनिमम रेसिस्टेंस, क्लीवेज फॉलो द पाथ ऑफ मिनिमम रेसिस्टेंस. अवॉइड द पाथ वेयर यॉक प्रेजेंट, यॉक जिधर होगा उधर उस रास्ते को अवॉइड करना चाहेगा ये. ठीक है ना बेटा, क्लीवेज इज वेरी स्लो इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस अमंग ऑल वर्टिब्रेट्स, अमंग ऑल वर्टिब्रेट्स ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल एक्सेप्शन है. ठीक है बेटा, तो ये एक सिंपल माइटोटिक डिवीजन है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती हैं बट साइज नॉट इंक्रीजेस ऑफ एम्ब्रियो जायगोट, जो डॉटर सेल बनेंगी आप उनको ब्लास्टोमियर नाम दोगे, ब्लास्टोमियर की साइज कंटिन्यूसली घटती चली जाती है. अगर दो ब्लास्ट जैसे मान लो हम कहें कि भाई ये पेरेंट सेल है, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए कि ये पेरेंट सेल है, ये पहले से एक सेल थी, अब ये देखिए ये पहले से मदर सेल है, ये पूरी ये क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी, तो ये देखिए पहला क्लीवेज हुआ तो इसका एरिया मिला कि इसके पेरेंट सेल के जस्ट इक्वल होगा. ठीक है, मान लो अब ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, तो इसमें देखिए ये वाला क्लीवेज हुआ, ये देखिए क्लीवेज हुआ, तो इसका दोनों का एरिया इसके पूरे के इक्वल होगा. ठीक है, समझ में आ गया बेटा पॉइंट. न्यूक्लियोप्लाज्म तो बढ़ेगा बट साइटोप्लाज्म क्या करता है, घटता चला जाता है बेटा. क्लीवेज फॉलो द पाथ ऑफ मिनिमम रेसिस्टेंस, क्लीवेज क्या दुनिया का हर कोई उसी रास्तों को फॉलो करता है जिस रास्ते में रुकावट पैदा ना हो, क्योंकि यॉक जो होता है वो क्लीवेज का अपोज करता है, क्लीवेज को होने नहीं से रोकता है, इसलिए क्लीवेज उस रास्ते को फॉलो करता है जिधर क्लीवेज सॉरी यॉक ना हो. ठीक है, तो लेकिन फिर भी ह्यूमन के केस ह्यूमन का जो एग होता है बेटा वो एलिसाइथल होता है जहां पर यॉक होता ही नहीं है, फिर भी ये एक्सेप्शनल, तभी मैंने कहा इधर देखिए लिखा बेटा एक्सेप्शन. फिर भी अगर सारे वर्टिब्रेट्स में के बीच में देखा जाए, सबसे तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए, तो सबसे स्लो प्रोसेस होता है क्लीवेज ह्यूमन में, यानी ह्यूमन के फीमेल जो जायगोट बनता है फीमेल में, उस जायगोट में क्लीवेज सबसे स्लो होता है हर वर्टिब्रेट से अगर कंपेरिजन किया जाए तो. ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को जल्दी बोलिए फटाफट. नो, वेरी गुड. तो यहां तक हम लोगों ने शायद बात कर ली थी, इसमें एक दो पॉइंट छूटे हुए हैं मुझे लग रहा था किसी को होंगे तो वो मैंने ऐड करा दिए. यस, हेड डालेंगे फटाफट बेटा टाइप्स ऑफ क्लीवेज. देखिए अब उम्मीद है वीक में हमारे दो एक्स्ट्रा लेक्चर हम आपके लेंगे, दो या एक, जिस वीक में हमारे तीन लेक्चर हो जाएंगे उस वीक में एक ही एक्स्ट्रा लेक्चर आपका होगा, और जिस वीक में हमारे दो लेक्चर होंगे उस वीक में दो एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे हम आप लोगों की. ठीक है, तो आप
आप लोग इस चीज के लिए रेडी रहिएगा, समझ गए ना बेटा आप लोग? तो टेंशन नहीं लेना और टाइमिंग वही रखेंगे जो क्लैश ना करे, ठीक है? चलिए हेड नॉलेज फटाफट बेटा, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। बेटा कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेगा, लेक्चर मिस करोगे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, फिर आप परेशान होंगे, उसके लिए खुद के जिम्मेदार होंगे आप। सोचोगे चलो वीडियो लेक्चर देख लें, जो वीडियो लेक्चर देखने की कोशिश में रहता है वो पिछड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। देख के सीख तो सकते हो आप, बट आपका रिदम बैक हो जाएगा, आप पिछड़ जाओगे, स्लो पड़ जाएगा। चलिए बेटा तो हेडिंग डालेंगे आप लोग फटाफट, टाइप्स ऑफ क्लीवेज लिखिए, आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। सबसे नंबर वन पे लिखिए होलोब्लास्टिक एंड इक्वल, होलोब्लास्टिक एंड इक्वल क्लीवेज। जैसे बेटा मान लीजिए जायगोट है, अब ये जो ना जायगोट, अब इसमें क्या होगा क्लीवेज, होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कंप्लीट क्लीवेज, और अगर कंप्लीट क्लीवेज होगा तो जो तो डॉटर सेल बन के आएंगी ब्लास्टोमियर्स वो इक्वल होंगी, ठीक है ना? तो ये देखिए क्लीवेज हुआ, एक और दो सेल मिलके बन आ गई, और ये सेल इस सेल की जस्ट इक्वल है, एकदम मिरर इमेज भी है, इसलिए बोला जाता है होलोब्लास्टिक इक्वल, यानी क्लीवेज इज कंप्लीट एंड टू इक्वल ब्लास्टोमियर्स आर ऑब्टेंड। तो द टाइप ऑफ क्लीवेज यहाँ क्या लिखना है बेटा हमको, द टाइप ऑफ क्लीवेज यानी वो क्लीवेज जहां पर दो इक्वल ब्लास्टोमियर मिले क्लीवेज होने के बाद, और वो तभी हो सकता है जब क्लीवेज पूरा पूरा होना चाहिए। तो देखिए यहां से स्टार्ट हुआ डिवीजन, ये पूरा इस एंड तक चला गया, तो एक सेल ये मिल गई, एक सेल ये मिल गई, और दोनों इक्वल हैं और कंप्लीट क्लीवेज भी हो गया, ठीक है ना? द टाइप ऑफ क्लीवेज विच अकर्स, ये बेटा विच लिखा हुआ है, सी के नीचे डंडा लगाते हैं इसको विच पढ़ते हैं, विच अकर्स कंप्लीटली एंड टू इक्वल ब्लास्टोमियर्स, एंड टू इक्वल ब्लास्टोमर्स आर ऑब्टेंड। एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, ऐसा कहाँ हो सकता है होलोब्लास्टिक एंड इक्वल क्लीवेज कहाँ होता है, किस जानवर के जायगोट में होता है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसा कौन सा एग है, तो ए लिसाइथल एग जो होता है वहां पर क्लीवेज कंप्लीट होगा, और ये कहाँ पाया जाता है, ह्यूमंस में और रैबिट में, ह्यूमंस एंड रैबिट। को होता ही नहीं है ए लिसाइथल, ए मतलब अब्सेंट, और लिसाइथल वर्ड यूज किया था यॉक के लिए, तो ये ऐसा एग है जहां पर यॉक है ही नहीं, यानी कहने का मतलब क्लीवेज के लिए अपोजिशन होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पॉइंट लिखा रखा है कि ह्यूमन में एक्सेप्शनली क्लीवेज सबसे स्लो होता है, नोट करिए बेटा पॉइंट फटाफट। आप लोग अपने नोट्स बना करके पीडीएफ में हमें भेजा करें, समझ रहे हैं? ठीक है, जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, मेरे लाख कहने के बावजूद भी लोग सारे लोग डीपीपी नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उन्हीं का रिजल्ट बाद में दिखता है, ठीक है ना? चलिए दूसरा लिखेंगे बेटा, टाइप ऑफ क्लीवेज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। ये कब हो सकता है बेटा, जैसे ये मान लीजिए
एग है। तो ये जो क्लीवेज स्टार्ट हुआ, ये सेंटर, ये मान लीजिए जायगोट है, जायगोट का सेंटर है, तो इस सेंटर से ना पास होकर के इधर कहीं साइड से पास हो जाए। तो अगर इधर साइड से पास हो जाता है तो ये क्लीवेज है तो कंप्लीट, यानी स्टार्ट तो यहां से मान लीजिए शुरू हुआ इस जगह से और यहां पे जाके खत्म हुआ, तो इस एंड से स्टार्ट हुआ इस एंड पे तो कंप्लीट हो गया क्लीवेज, यानी पूरा पूरा। बट चूंकि सेंटर से नहीं गया, इसलिए जो ये दो ब्लास्टोमियर्स मिले ये क्या होंगे, अनइक्वल। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा द क्लीवेज विच अकर्स कंप्लीटली बट नॉट पासेस फ्रॉम सेंटर, नॉट पासेस फ्रॉम सेंटर ड्यू टू विच टू अनइक्वल ब्लास्टोमर्स आर ऑब्टेन्ड। टू इक्वल ब्लास्टोमर्स आर ऑब्टेन्ड, एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा यहां पर। मीजोलिसाइथल एग, मीजो लिसाइथल एग, यानी ऐसा एग जो कि है मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक, ना कम योक हो ना ज्यादा हो योक, वहां पर होता है ऐसा। ये कहां पाया जाता है, प्रेजेंट इन फ्रॉग एंड फ्रॉग एंड बोनी फिशेस, सॉरी एंड लंग फिशेस, एंड लंग फिशेस। नोट कर लो, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लीवेज होता है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया? यस। तो कंप्लीट है बट सेंटर से पास ना होने की वजह से अनइक्वल हो गया। तो जो दो ब्लास्टोमर एक ये मिला, ब्लास्टोमर एक ये मिला, दोनों अनइक्वल है। ठीक है बेटा, यस। उसके बाद तीसरा है आपका, तीसरा लिखना बेटा, मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल क्लीवेज। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बेटा ये एग है, ये देखिए, यानी ये क्या जायगोट बन गया है अब तो, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद तो जायगोट ही बन जाएगा। मान लो ये एग फर्टिलाइज कर रहा था, जहां पर क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ योक है, ये सब क्या है योक। तो ये देखिए एक स्मॉल डिस्क लाइक एरिया जो है जहां पर योक मौजूद नहीं है, इसको बोलते हैं वेजिटल पोल और इसको बोलते हैं एनिमल पोल, सॉरी वेजिटल हेमिस्फीयर बोलो बेटा, वेजिटल हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं एनिमल हेमिस्फीयर। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एनिमल हेमिस्फीयर वो पार्ट होता है जहां पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, और वेजिटल हेमिस्फीयर वो पार्ट होता है जहां पर योक होता है। और योक आप अभी सुन चुके हैं कि योक अगर होता है तो वो क्लीवेज को होने से रोकता है, इसका मतलब क्लीवेज यहां होगा। यस, तो देखिए क्लीवेज होगा बेटा, ये देखिए क्लीवेज इस एंड से स्टार्ट हुआ और यहां तक सिर्फ आएगा, ये देखिए। तो क्लीवेज जो है किसमें होता है, एक स्मॉल डिस्क लाइक एरिया में, जिसकी वजह से आप खुद ही समझ लीजिए
क्लीवेज अगर इस एंड से स्टार्ट हुआ तो इस एंड तक अगर जाता तब तो कंप्लीट होता, तो क्लीवेज कंप्लीट भी नहीं हुआ, यानी यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे खत्म नहीं हुआ, तो उसी जगह रह गया, तो क्लीवेज इनकम्प्लीट भी है। और जो ब्लास्टोमियर मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे, अनइक्वल। समझ में आया बेटा? आयुष सुनो एक बार फिर से बेटा, मीरोब्लास्टिक और डिस्क्वाइडल, डिस्क्वाइडल नाम ही पढ़ा है क्योंकि क्लीवेज अकर्स इन अ डिस्क लाइक एरिया ड्यू टू अब्सेंस ऑफ यॉक। यहाँ पर यॉक नहीं होता है, यहाँ पे यॉक होता है, तो यॉक अभी भी पढ़ के आए हो कि वो क्लीवेज को होने ही नहीं देता, रोकता है क्लीवेज को, तो क्लीवेज इधर हो गई नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ इस जगह पर खत्म हो गया। अगर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होता तब तो कंप्लीट होता, तो जो क्लीवेज स्टार्ट हुआ वो इनकम्प्लीट है एंड अकर्स इन अ स्मॉल डिस्क लाइक एरिया। अब ये क्लीवेज चुकी हुआ नहीं कंप्लीट, और जो ब्लास्टोमियर भी मिलेंगे तो वो क्या होंगे, अनइक्वल। कुछ समझ में आया भैया? बोलो। यस, किसने बोला फिर रिपीट करो, बोलो बेटा, किसी को मैसेज आया रिपीट करो, किसको समझ नहीं आया भाई जल्दी बोलो फटाफट। तो ये वह क्लीवेज, हाँ, एनिमल हेमिस्फीयर बेटा वो होता है, एग के दो पार्ट होते हैं, एनिमल हेमिस्फीयर और वेजिटल हेमिस्फीयर। एनिमल हेमिस्फीयर वो होता है जहां पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं बेटा, मिलेनियन ग्रेन्यूल्स होते हैं, और वेजिटल हेमिस्फीयर वो होता है जहां पर यॉक होता है। तो यॉक जो है वो क्लीवेज को होने से रोकता है, होने ही नहीं देता, इसलिए सिर्फ इस वाले रीजन में क्लीवेज होगा, डिस्क लाइक रीजन में, तभी तो इसका नाम पड़ा है मीरोब्लास्टिक एंड डिस्क्वाइडल। तो यहां से होकर सिर्फ यहीं पे क्लीवेज होगा, यहां से स्टार्ट हुआ यहीं तक होगा, तो जिसकी वजह से दो अनइक्वल ब्लास्टोमियर मिलेंगे और क्लीवेज क्या होगा, इनकम्प्लीट। समझ में आया बेटा? तो लिखेंगे द टाइप ऑफ क्लीवेज, द टाइप ऑफ क्लीवेज which occurs in a small disc-like area, the type of cleavage which occurs in a small disc-like area and incomplete, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लिख लेंगे यहां पर। एग्जाम्पल लिख लो बेटा यहां पर, मेगालिसाइटल एग, मेगालिसाइटल एग, और ये मेगालिसाइटल एग्स कहाँ होता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और बोनी फिशेस। तो आप मेगालिसाइटल एग कह रहे हो, इसका मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक है, तो सबसे ज्यादा यॉक कहाँ होता है, बर्ड्स का, बर्ड्स के एग में, तभी तो हम बर्ड्स का अंडा खाते हैं। नोट कर लो बेटा, चौथा जो है बेटा वो है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्लीवेज कब होगा बेटा, जैसे मान लीजिए ये एग है और ये बीच में यॉक लोकेटेड है, ये देखिए यॉक रखा हुआ है सेंटर में, तो सेंटर में यॉक रखा हुआ, तो जाहिर सी बात आप कहते हो कि सर यॉक क्लीवेज होने नहीं देता, हाँ बिल्कुल सही बात, जो तेरा देते हैं इंसेक्ट्स का है, क्या बोल रहा है, हैन में नहीं होता बेटा, हैन में नहीं होता, इंसेक्ट्स में होता है। तो
देखिए यहाँ पर जो भी क्लीवेज होगा बेटा भाई, ये सब पेरीफेरल, ये पेरीफेरल पार्ट है, तो पेरीफेरल रीजन में होगा इस तरीके से ऐसे, और क्लीवेज क्या होगा इनकम्प्लीट। तो ये सेंट्रली लोकेटेड योक है, तो ये क्या है योक। तो क्लीवेज क्या होगा, क्लीवेज विच अकर्स इन पेरिफेरल रीजन, एंड इनकम्प्लीट, ड्यू टू सेंट्रली लोकेटेड योक। तो चूंकि सेंटर में योक होता है, इसलिए पेरिफेरल रीजन में होगा क्लीवेज और इनकम्प्लीट होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, सेंट्रो लिसाइथल एग, वैसा एक कहाँ होता है इंसेक्ट्स में, नोट कर लो। तो इंसेक्ट्स का जो एग होता है वो सेंट्रो लिसाइथल होता है, सेंटर में चूंकि योक होता है इसे सेंट्रो लिसाइथल बोलते हैं, और यहां पर जो क्लीवेज होगा वो सुपरफिशियल यानी पेरिफेरल रीजन में होगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा। नोट हो गया बेटा, यस। तो ये था टाइप ऑफ क्लीवेज। अब आप हैंडल लेंगे फटाफट बेटा, प्लेन ऑफ क्लीवेज, किस किस प्लेन से क्लीवेज हो सकता है। प्लेन ऑफ क्लीवेज, हटने लेंगे बेटा आप, प्लेन ऑफ क्लीवेज, मान लो बेटा ये जायगोट बना, ये जायगोट बना, ठीक है, और इस जायगोट का ये सेंटर है। अब यहाँ पे क्लीवेज होना है बेटा, ठीक है। तो एक तो क्लीवेज ये वाला हो सकता है ऊपर से यानी टॉप टू बॉटम, ये देखिए बेटा ये क्या है टॉप टू बॉटम, लेकिन कहाँ से सेंटर से जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेरीडोनियल प्लेन, मेरीडोनियल प्लेन। तो वो प्लेन जो टॉप टू बॉटम जाए यानी टॉप और ये बॉटम, इधर इस वाले एंड से शुरू हुआ, इस वाले एंड पे खत्म हो गया, तो टॉप टू बॉटम प्लेन और सेंटर से पास हो, उसी को बोलते हैं मेरिडोनियल प्लेन। में लिखाऊंगा नहीं बेटा, इसीलिए ये लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक ये प्लेन जा रहा है, ये देखिए ये भी टॉप टू बॉटम आ रहा है, टॉप टू बॉटम, बट सेंटर से नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये वर्टिकल प्लेन हुआ, वर्टिकल प्लेन, यानी वो वर्टिकल प्लेन जो बीच से पास हो यानी सेंटर से पास हो, वही वर्टिकल प्लेन मेरिडोनियल प्लेन कहलाने लग जाता है। तो इस तरीके से क्लीवेज हो सकता है यानी प्लेन ऑफ क्लीवेज। देखिए एक तरीका और हो सकता है ऐसे क्लीवेज हो, ठीक है। तो इस और ये कहां से पास हो रहा है, देखो बेटा सेंटर से, कहां पास हो रहा है सेंटर से, तो वो प्लेन
इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन वो होता है जो सेंटर से पास हो, बीचों बीच से जाए, सेंटर से पास हो, तो ये वाला प्लेन क्या कहलाते हो आप, इसको हॉरिजॉन्टल, तो आपके बॉडी के सेंटर से पास हो, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये देखिए ये प्लेन जो सेजाइटल प्लेन कहलाता है, ओ सॉरी लैटिट्यूडनल, सेजाइटल नहीं बोली सॉरी, लैटिट्यूडनल, यानी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो सेंटर से ना पास हो उसको लैटिट्यूडनल कह देते हैं। नोट कर लो बेटा, तो यही चार प्लेन होते हैं जिस प्लेन में क्लीवेज हो सकता है। इसमें लिखाना ना कुछ नहीं बेटा, मुझे दिखाना था सिर्फ ऐसे ही, तो ऐसे ऐसे हो सकता है क्लीवेज, या हो सकता है ऐसे हो जाए, ठीक है नोट कर लो बेटा फटाफट। यही मेरिडोनियल प्लेन सेजाइटल प्लेन कहलाने लग जाता है, यानी ये प्लेन देखिए, ये जो वर्टिकल प्लेन है जो पीछे बीच हो जाता है, यही मेरिडोनियल प्लेन है और यही सेजाइटल प्लेन है। तो ये हो गए प्लेन ऑफ क्लीवेज। आप पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब आप फिर डालेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, तो ये कुछ बातें थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो आपने देखी। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमको ह्यूमन में देखना है बेटा, तो हरी डालो बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ह्यूमन में देखें, इसके पहले दो चार बातें करूंगा आपसे। सीधे सारे लोग बताओ, कल सारे लोगों ने टेस्ट दिया बेटा आपको, आप लोगों ने टेस्ट हुआ था क्या? यस यस यस, चलो बहुत सही, वेरी गुड स्वानी। स्वानी क्या आप लोगों ने टेस्ट नहीं हुआ था बेटा क्या? ओके ओके ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, तो इन लोगों का टेस्ट हुआ है गुरुकुल वालों का, ठीक है स्वानी कोई बात नहीं है। हाँ आप लोगों तक पोस्टपोन हो गया है ना, कोई नहीं आयुष। तो जिन लोगों का टेस्ट हुआ है बेटा, वो टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो वो आप मुझे क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है। कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो टोटली फ्री है, क्लास के बाद मुझे कर ले कॉल, कॉल कर ले या मुझे व्हाट्सएप पे पूछ ले। अच्छा दूसरा ये है कि टेस्ट के पहले आपकी सारी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई थी बेटा, सारी सब्जेक्ट की चारों की? जल्दी बताइए फटाफट, नहीं हो पाए थी? नो ओके, अर्नव की हो गई थी बेटा। एक बात बताऊं, आप लोग 24 घंटे इस समय घर पे रह रहे हो, अगर अब आप एक्सक्यूजेस देते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई होगा। इसका मतलब आप पढ़ना नहीं चाहते हो घर पे, 24 घंटे आप टोटली घर पे हैं और अपने पढ़ाई के लिए हैं। उस 24 घंटे में अगर हम कहें कि भाई 4 घंटे चलो ऑनलाइन क्लासेस में आपका चला जाता है, तब भी आपके पास 20 घंटा बचता है। 20 घंटा में आप 6 घंटा छोड़ लीजिए, सो लीजिए, तब पर भी आपके पास 14 घंटे बचता है। उस 14 घंटे में 2 घंटे आपके नहाने धोने खाने पीने का भी अगर हम निकाल दें, तब भी आपके पास 12 आवर्स बचते हैं, 12 घंटे। उस 12 घंटे में 3-3 घंटे अगर आप हर सब्जेक्ट देना शुरू कर दीजिए तो आपकी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगी टेस्ट के लिए। बट लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कोई पढ़ता होगा। एक्सक्यूजेस बहुत सारे होते हैं आप लोगों के पास कि सर ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं यार, काम करने वाला इंसान तो हर परिस्थिति में अपना काम करता है। अगर अपनी कमजोरियों को गिनना शुरू करोगे तो आप अपने आप को और कमजोर करोगे, ठीक है। कल एक बच्चे का फोन आया था आयुष का, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात कि सर मेरी रिद्म नहीं बन पा रही, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बट फिर भी होता क्या है बेटा कि हम स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं कि चलो आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, टाइम टेबल के हिसाब ना, कभी आज होता ही नहीं है, कभी कल नहीं होता। अगर आप करना चाहें तो बस आज ही आज होता है, आज और अभी तुरंत स्टार्ट हो जाइए। मंजिल का ख्वाब देखने वाला सिपाही कभी थकता नहीं है,
जिसको थका फील होता है, कल पे अपना काम पेंडिंग रखता है, तो कभी वो सक्सेस की उम्मीद ना करे, चुपचाप छोड़ दीजिए इस लाइन को, कुछ और काम करना शुरू कर दीजिए। तो आप रेगुलरिटी बना के अपनी पढ़ाई रखिए। अनुभव क्लास में है बेटा, रिप्लाई कर अनुभव, अगर क्लास में है अनुभव तो रिप्लाई करो फटाफट। यस अनुभव तैयारी चल रही तेरी, कोई नहीं, ओके ओके ठीक है। चलो आप लोगों से बात करेंगे हम सीधे वीडियो पे नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है, हम मीटिंग डाल देंगे कब आपकी मीटिंग करनी है 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ह्यूमन। हाँ, किसी के टेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है बेटा, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे तुरंत जो है पूछ लीजिएगा आफ्टर द क्लास, या अभी हम 15-20 मिनट आपकी क्लास लगाएंगे, ठीक है। आप ये बताओ मुझे 4:30 बजे के बाद आपकी कोई क्लास तो नहीं है, 9, ठीक है, तो वी विल मीट आफ्टर 4:30, हम लिंक डाल देंगे आपके उसमें, ठीक है। चलो ओके बेटा, तो हम डालते हैं हेडिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब फर्टिलाइजेशन होता है जायगोट बनता है, जायगोट से मारुला बनता है, मारुला से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला से फिर न्यूरुला बनता है, फिर ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन फॉर्मेशन, ठीक बेटा, और उसके बाद फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो क्या बनता है, फीटस। डेवलप्ड फीटस, ध्यान देना बेटा, महाभूत घनश्याम नारायण, ठीक है, तो ये है मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला, जायगोट से लेकर के ब्लास्टुला जो होता है बेटा, ध्यान देना, यहां तक क्लीवेज चलता रहता है, इसका मतलब जितना बड़ा जायगोट साइज होगा उतना ही बड़ा मोरुला का साइज होगा और उतना ही बड़ा ब्लास्टुला का साइज होगा। हाँ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएंगी, जायगोट एक सेल का होता है, मारुला बहुत सारी सेल का होगा, फिर ये उससे भी ज्यादा सेल का होगा, ठीक बेटा। और यहां से लेकर के यहां तक का जो वक्त होता है बेटा, ये 2 महीने का वक्त होता है, 2 मंथ का, ठीक है, 2 मंथ होता है, और इस दौरान ये कहलाता है एम्ब्रियो। अभी बताता हूं बेटा, डोंट वरी, यहां से यहां का जो वक्त होता है ये 7 मंथ होता है, और इस दौरान ये कहलाता है फीटस। आप ये एक लाइन नोट करो फटाफट बेटा, जल्दी से, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जायगोट हमारा बनता है, जायगोट जब हम कभी डेवलप हुए होते अपने माँ के यूट्रस में, तो पहले इस रूप में आते हैं, फिर इस रूप में, फिर ये फिर न्यूरुला, ये कोर्स में नहीं है, ये हम आपको बताएंगे नहीं, ठीक है ना, गैस्ट्रुला तक पढ़ाएंगे और इसी में ऑर्गन बनना शुरू हो जाएंगे कब का है, तो उसके बाद डेवलप फीटस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए प्रेगनेंसी 9 मंथ की तो होती है, 2 महीना ये हो गए, 7 महीने हो गए, तो शुरुआत के 2 महीने तक तो आप एम्ब्रियो बोलते हो, आफ्टर दैट आप उसको फीटस बोलते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस फास्ट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल स्टेजेस कैसे आती हैं, महाभूत घनश्याम नारायण, हो गया बच्चे। तो आप कह रहे हो ह्यूमन में सर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो जैसे ही जायगोट बनेगा, जायगोट बनने के तुरंत बाद उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा विद द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, ठीक है। और आप कहते हो सर कि फर्टिलाइजेशन, जैसे मैं कहता हूं कि भाई मान लीजिए कि ये यूट्रस है, तो ये है फैलोपियन ट्यूब,
एक साइड का हमने दिखाया बेटा, ठीक है, आप इधर भी दिखा सकते हो इस तरीके से, तो भाई आप कहते हो सर ये वाला जो प्लेस होता है इधर वाला, ये वाला प्लेस क्या कहलाता है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। आप कहते हो कि सर यहाँ पे जायगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाए, अनम्यूट डाउट, क्या बेटा अनम्यूट डाउट क्या बोल रहा है नवदीप, तेरा कहने का क्या मतलब बेटा, बोल जल्दी से बोलो बच्चे, अनम्यूट तो कर रखा है बेटा तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी, सारे लोग अनम्यूट ही हो बेटा। अच्छा अनम्यूट कर दें आपको, बोल बोल मैसेज में डालो बेटा क्या डाउट है आपका, या फिर बाद में पूछ लेना क्लास के, ठीक बेटा है ना नवदीप, चाहे तो आप मैसेज में डाल के फिर बेटा, या फिर क्लास के बाद पूछ लेना, क्योंकि ये बेटा वीडियो जो है रिकॉर्डेड होकर के फिर डाउनलोड की जाती है, तो उसमें थोड़ा ठीक नहीं लगता। ओके किसी कोई प्रॉब्लम हो अगर पर्सनली पूछना चाहता है उसका सेल्फ डाउट हो तो आप नोट उसको टिक कर लीजिए, फिर आफ्टर द क्लास आप उस चीज को पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए आपने कहा था कि सर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, तो ये एम्पुला है और ये इस्थमस है, इसके जंक्शन पर हुआ जायगोट बना। अब आप बोलते हो कि सर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है जायगोट का वो क्लीवेज से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट क्लीवेज होगा है ना, फर्स्ट क्लीवेज जायगोट बनेगा और ये नीचे आना शुरू कर देगा, फर्स्ट क्लीवेज आफ्टर 30 आवर्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, ये शॉर्टकट में बेटा फर्टिलाइजेशन हमने लिखा हुआ है। सेकंड क्लीवेज फोर्टी आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये सेकेंड सी, ये फर्स्ट सी, पहला क्लीवेज सेकेंड क्लीवेज, थर्ड सी तीसरा क्लीवेज 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा। और जब तीसरा क्लीवेज हो जाता है तो ध्यान देना बेटा, यहां पर 8 से 16 सेल स्टेज जो है सॉलिड मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर बन के आ जाता है, जिसको आप बोलते हैं मार्बुला, एट द एंड ऑफ फोर्थ डे सॉलिड मलबेरी लाइक ठीक है ना बेटा, ये डायग्राम फटाफट ड्रॉ करो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। formed after fertilization at ampullary isthmus junction, ठीक है,
नोट हो गया बच्चों, बोलिए फटाफट। चलिए देखिए बेटा जल्दी करो आयुष, फटाफट सब लोग करो। एक बार देखना बेटा मेरी तरफ फटाफट सारे लोग। तो भाई ओवुलेशन होता है, इधर से स्पर्म पहुंचता है, जैसे ही एम्पुलर स्टमस जंक्शन पे पहुंचते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा। जायगोट आप जैसे ही जायगोट बनेगा तो जायगोट तुरंत एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है विद द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। जायगोट बनने के तुरंत बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और जायगोट बनने का दिन, जिस दिन जायगोट बन जाएगा उसी दिन बोलते हैं डे ऑफ प्रेगनेंसी, वो भी मैं लिखाऊंगा बेटा, ठीक है। जायगोट बनेगा, जायगोट में तुरंत 30 घंटे बाद हो जाएगा पहला क्लीवेज, फिर जायगोट बनने के 40 घंटे बाद हो जाता है दूसरा क्लीवेज, और जायगोट बनने के 72 घंटे बाद हो जाता है तीसरा क्लीवेज। तो तकरीबन 8 से 16 सेल स्टेज जो है चौथे दिन के एंड पे बनती है। यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ लीजिए बेटा, ये 8 टू 16 सेल स्टेज होती है, 8 से 16, 8 टू 16 सेल मरला जो होता है ये 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड मलबेरी लाइक होता है। चौथे दिन के एंड पर ये फलोपियन ट्यूब के एंड पे आ जाता है, दिख भी रहा है डायग्राम में, इसलिए बनवाई ही मैंने। अब जैसे ही पांचवा दिन स्टार्ट होगा, ध्यान सुनना बेटा, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को खुद मान लो कि हम यहाँ पर ये मरला के रूप में है, हम ऐसे ये यूट्राइन कैविटी है, हम इस तरीके से यहाँ पे बैठे हैं और इसमें देख रहे हैं और देख रहे हैं। जैसे ही पांचवा दिन शुरू होगा, ये चौथे दिन के एंड पे है ना ये, तो पांचवा दिन जैसे स्टार्ट होगा तुरंत ये ऐसे कूद जाएगा। तो जब ये ऐसे कूद जाएगा तो इसमें आ जाएगा, ध्यान देना बेटा। अब ये होता क्या है, पांचवा दिन जैसे शुरुआत होता है इसमें आ जाता है। अब ये 2 से 3 दिन ऐसे उधर टहलता रहता है। अच्छा, क्लीवेज चलता रहेगा बेटा। अब जब क्लीवेज चलता रहेगा तो जाहिर सी बात नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और बता, समझ लीजिए ध्यान से, जब मरला यूटराइन कैविटी में आ जाता है तो इसमें प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टेशन होता है। प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टेशन में होता क्या है, सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं, कुछ सेल्स पेरीफेरी की तरफ होती है, कुछ सेंटर में होती है। तो जो पेरीफेरी की तरफ होंगी उन्हें तो आप बोलोगे ट्रोफोब्लास्ट सेल, और जो सेंटर साइड में होंगे उन्हें बोलते हैं इनर सेंट्रल सेल, आप उनको बोलते बेटा इनर सेंट्रल सेल, समझ गए। तो अब इनर सेंट्रल सेल और ट्रोफोब्लास्ट सेल का नंबर बढ़ेगा क्योंकि क्लीवेज चलता रहेगा। अब पांचवा दिन जैसे शुरुआत होता है इसमें आ जाता है, ये 2-3 दिनों तक इधर उधर टहलता रहेगा। सातवें दिन के अंत में जो ये मरला है, अब ये मरला नहीं, जब मरला जैसे इसमें आएगा प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टेशन होगा, इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, ये मरला चेंज हो जाता है ब्लास्टुला में। और ब्लास्टुला सातवें दिन पर या सातवें दिन के एंड पे कह सकते हो, ये कहां जाता है, एट द टच ऑफ एंडोमेट्रियम, यहां पे आ जाएगा, क्योंकि यही फंडस, वही फंडस वो पार्ट होता है जहां पर क्या हो जाता है इम्प्लांटेशन। ये ऐसे ऐसे आएगा, इधर टहलेगा, इधर उधर टहल के यहाँ पर जाकर के स्थापित हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इम्प्लांट होगा। अब ब्लास्टुला सातवें दिन पे कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंडोमेट्रियम, यानी इम्प्लांटेशन अकर्स एट 7th डे। सातवें इम्प्लांटेशन का मतलब ये जो मरला है, ये मरला ब्लास्टुला में चेंज हो जाएगा। आप इसको ऐसे ब्लास्टुला मान लीजिए, ये ऐसे आया, फिर ये बन जाएगा ब्लास्टुला में, और फिर ब्लास्टुला आगे आकर के यूट्राइन वॉल के कांटेक्ट में आएगा। सातवें दिन यूट्राइन वॉल के कांटेक्ट में आएगा तो उसी को बोलते हैं डे ऑफ इम्प्लांटेशन। जिस दिन जायगोट बनता है उस दिन बोलते हैं उसको डे ऑफ प्रेगनेंसी, और जिस दिन ये यूट्राइन वॉल के कॉन्टेक्ट में आएगा उस दिन बोलते हैं डे ऑफ इम्प्लांटेशन। अब होगा 3 से 4 दिन तक इम्प्लांट होता रहेगा ये। तो जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए फोम की मोटी सी दीवार है, हम इसके कॉन्टेक्ट में आए तो ये फोम क्या करेगा, ये जो रूई ये फोम है चारों तरफ से हमको ऐसे कवर कर लेगा इस तरह से। तो 3 से 4 दिन तक हम इसमें क्या करेंगे, धंसते जाएंगे। तो ये जो पूरी तरीके से हमको कवर कर लेगा तो उसको बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ इम्प्लांटेशन। तो अब बताओ सातवें दिन पर ये आया था कॉन्टेक्ट में, 3 से 4 दिन चला, इसका मतलब इम्प्लांटेशन किस दिन कंप्लीट होगा, 10वें दिन या फिर 11वें दिन। कुछ आया बेटा समझ में इतना?
अब जब ये इम्प्लांटेशन करने लग जाता है तो जैसे सपोज करो बेटा ये फोम की मोटी सी वॉल थी और ये इसमें पानी भरा हुआ था टोटली, तो जैसे ही हम इसके ऐसे कॉन्टेक्ट में जाएंगे तो इसमें से पानी रिसना शुरू हो जाएगा, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अब वो पानी क्या करेगा, हमारी बैक पे प्रेशर डालेगा, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन वो एक कॉर्नर पीधर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे, तो जो भी अंदर सेल होंगी वो एक पोल पे शिफ्ट हो जाएंगी और उस ब्लास्टुला के अंदर कैविटी क्रिएट हो जाएगी जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। अब ब्लास्टोसील जब बन जाता है ब्लास्टुला के अंदर, इस दौरान ब्लास्टुला को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये डायग्राम आप बेटा ड्रा कर लीजिए, मुझे लग रहा है आपका टाइम ओवर हो गया है, 3 मिनट बचे हुए बेटा, ठीक है। ये डायग्राम पूरा बनाएंगे क्या आप, जल्दी बताइए फटाफट, ये जल्दी बनाओ फटाफट, जल्दी इसको बना लो फटाफट। हाँ हाँ 2 मिनट बचे हुए हैं बेटा आपके, अभी 2-3 मिनट ये डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा फटाफट। एट सेवेंथ डे, प्रॉपर प्लेस पे इम्प्लांटेशन होता है फंडस पार्ट में यूट्रस के, फंडस को छोड़ के अगर कहीं अलग इम्प्लांटेशन होता है तो आप उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। डायग्राम बन गया बेटा आपका, अच्छा अभी तो क्लास, हाँ 15 मिनट एक्स्ट्रा है ना, यस 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 अभी तो पढ़ा सकते हैं क्लास को, ओके ओके ठीक है। ये डायग्राम बनाओ फिर आगे शुरू करते बेटा, क्योंकि आज आपकी क्लास 3:30 तक है। हाँ हाँ यस यस वो बात मैं लिखाऊंगा बेटा, अभी आप परेशान मत होइए, ठीक है। किसने बेटा मैसेज डाला दोबारा डालो मुझे, इंग्लिश क्लास कितने बजे से है आपकी, सर हमारी क्लास है 3:30 पर, लविश शर्मा, ओके ओके 3:30 पे है ना अभी, कोई नहीं 2-4 मिनट तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं। ये डायग्राम डालूं क्या, यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे बेटा, इन ह्यूमंस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट, इन ह्यूमंस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, विद प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। अब क्लीवेज क्या होता है हम पहले ही आपको बता रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब फर्स्ट क्लीवेज कब होगा, सेकंड क्लीवेज कब होगा, थर्ड क्लीवेज कब होगा, वो डायग्राम हम लिखा रखते हैं बेटा, ठीक है, वो हम लाइन में नहीं लिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं एट फोर्थ डे, एट फोर्थ डे, एट द एंड ऑफ फोर्थ डे, एट द एंड ऑफ फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब सॉलिड मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड नेम्ड एज मोरुला। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, At start of fourth day, sorry, at start of fifth day, fourth day,
at the start of 5:30 Morula comes into uterine cavity and undergo the process of compactation and undergo the process of compactation due to compactation due to compactation outer outer trophoblast and inner cell mass is formed. And centrally जोड़ लो बेटा and center and inner side ये लिख लेते हैं outer trophoblast and inner side and inner cell mass is formed. इतना नोट कर लो बेटा ठीक है उसके बाद फिर क्लास छोड़ देते हैं आपकी. दो लोग ऑलरेडी लेफ्ट कर चुके हैं बेवकूफ टाइप के हैं लोग फिर बाद में कहेंगे सर समझ नहीं आया